इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1.5 से 2 साल के बेबी की पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, बिल्कुल इजीली सिंपल तरीके से आप इस पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैंट वाला फैब्रिक ले लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके रख लिया है और ओपन करने के बाद मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी वॉकिंग करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसका हिप राउंड लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो इसकी बेल्ट है फ्रेंड्स वो मिलूँगी 7 ही तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 इंच इस तरह से क्रोच एरिया रखूँगी। इस तरह से इसकी विथ रखूँगी क्रोच एरिया की फ्रेंड्स 1 इंच, और क्रोच एरिया की लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से 9 इंच। मैंने 9 इंच पर वॉक कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसको मैं हल्का सा कर्व दूँगी इस तरह से। तो मैंने इसको इस तरह से हल्का सा कर्व दे दिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक मार्क करूँगी। तो 2 इंच पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इलास्टिक का मार्क किया है जो कि हमारा इलास्टिक में जाएगा फ्रेंड्स फोल्डेड में। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पैंट की लेंथ रखूँगी इस तरह से। जो पैंट की लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 20 इंच, मैंने 20 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारे बैक वाले पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट को मार्क किया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे की मोरी रखूँगी 5 इंच। तो मैंने 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इंची टेप को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से आड़ा रख लूँगी। दोनों मार्क को मैं इस तरह से मिला दूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 इंच मार्जिन का रखूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको रखूँगी अब इस तरह से 1 इंच पे। 1 इंच पे मैंने इसको मार्जिन का मार्क कर दिया है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको 5 इंच पे मार्क किया था मोरी को। अब इसके बाद जो मैंने मार्जिन का मार्क किया है फ्रेंड्स 1 इंच पे, तो ये 6 इंच हो गया है इस तरह से। और ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसकी बेल्ट रखी है 7 इंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इधर से फ्रेंड्स मैं इसको सीधा मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं वहीं पे फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग कर दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। हमारे बैक वाले पार्ट होंगे फ्रेंड्स ये। तो मैं इसको बैक लिख देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि याद रहे आपको भी और मुझे भी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे 2 पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गई है। बैक वाले पार्ट इस तरह से आपको कटिंग कर लेने होंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लूँगी। तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर बैक वाले पार्ट कटिंग किए हैं वो रख लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट इसके ऊपर रख लिए है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट होगा फ्रेंड्स ये कुछ छोटा होगा इससे, तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। अब फ्रेंड्स इसको मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं ये ऊपर वाला पार्ट हटा दूंगी इसके ऊपर से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जिधर की साइड ये मेरी है, मेरी साइड से फ्रेंड्स मैं इसको 1 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह से नीचे से फ्रेंड्स। तो यहाँ तक के फ्रेंड्स मैं इसको 10 इंच तक के 1 इंच पे मार्क कर दूंगी इस तरह से। ऊपर से फ्रेंड्स मैं बिल्कुल बाहर को रखूंगी किनारे पे मिलाते हुए, और नीचे को फ्रेंड्स मैं इसको अंदर को कर दूंगी 1 इंच पे इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूंगी। यहाँ पे 15 इंच फ्रेंड्स मैंने इसकी लेंथ रख ली है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा फ्रेंड्स, फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे 15 इंच रखनी है लेंथ आपको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट भी कटिंग होकर रेडी हो गई है। 2 पार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स इस तरह से। आप देख सकते हो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट कुछ इस तरीके से कटिंग होंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको मैं बेल्ट लगाऊंगी ऊपर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बेल्ट को ऑलरेडी कटिंग कर लिया है इस तरह से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट को इस तरह से कटिंग कर लेना होगा। जितना फ्रेंड्स हमारा बैक वाला पार्ट होगा उतने साइज का आपको कर लेना है फ्रंट वाले पार्ट को भी बेल्ट इसमें लेते हुए फ्रेंड्स। तो ये दोनों पार्ट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉकेट कटिंग कर लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, पॉकेट के लिए मैंने कुछ इस तरह से फैब्रिक ले लिया है, और फैब्रिक को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉकेट की विड्थ रखूँगी यहाँ पे 4 इंच, और 4 इंच पे फ्रेंड्स मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। सीधा मार्क आपको कर लेना है इस तरह से फ्रेंड्स। और इसकी लेंथ लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 6 इंच, और 6 इंच पे मैं इस तरह से राउंड शेप देते हुए फ्रेंड्स इसको मार्क कर लूँगी मैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैं लॉ रखूँगी फ्रेंड्स इसको 2 इंच का, और लॉ रखने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको नीचे से इस तरह से मिला दूँगी। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पॉकेट को मार्क कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है।
तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। आप देख सकते हो हमारी ये दोनों पॉकेट कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं पॉकेट को दोनों को इस तरह से एक साथ रख लूंगी फ्रेंड्स। अब जो हमारा एक साइड वाला पार्ट होगा, इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच पे इस तरह से मार्क करूंगी। 2 इंच इसकी विड्थ लूंगी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस तरह से, और नीचे से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 3 इंच लूंगी इस तरह से। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दोनों मार्क को इस तरह से मिला दूंगी। 1.5 इंच टेप को रखते हुए मैंने इसको मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूंगी, जो मैंने इसको 3 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो हमारे पैंट का फ्रंट वाले पार्ट है वो मैं ले लूंगी। दोनों पार्ट फ्रेंड्स इस तरह से मैं ले लूंगी। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट ले लिए हैं पैंट के फ्रंट वाले। अब पॉकेट को फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, और जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पॉकेट को कटिंग किया है वहीं से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट को भी कटिंग कर दूंगी इसी तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को भी कटिंग कर दिया है, और ये हमारी पॉकेट है फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो हमारी जो पैंट है फ्रेंड्स ये कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पैंट को स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले दोनों पार्ट ले लिए हैं। इनको मैंने सीधा रख लिया है फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके ऊपर पॉकेट रख दूंगी, और इस तरह से मैं इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से मैं दोनों पॉकेट को स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स मैं इसको ऊपर में स्टिचिंग लगा लूंगी 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरी पॉकेट को फोल्ड करूंगी अंदर को, और इसको भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा लूंगी 1/2 इंच का गैप देते हुए। दोनों पॉकेट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इनको स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको मैं उल्टा रखूंगी इस तरह से, और पॉकेट को इस तरह से फ्रेंड्स मैं अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरी पॉकेट को अंदर को फोल्ड करूंगी इस तरह से, और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको भी स्टिचिंग लगा लूंगी इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन पे। फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा लूंगी। दोनों पॉकेट को फ्रेंड्स मैं स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पॉकेट को स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से, और इसके बाद मैंने पॉकेट को सीधा कर लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैंने इनको सीधा करके रख लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को इस तरह से रख लूंगी सीधा। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी पॉकेट है इनको मैं सेट करूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लूंगी। छोटा सा 1 इंच पे मार्क करना होगा फ्रेंड्स आपको 1/2 इंच का, 1 इंच का गैप देते हुए 1/2 इंच का मार्क कर लूंगी फ्रेंड्स। मैं इसको इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी। पक्का करते हुए आपको स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स इस तरह से। इससे फ्रेंड्स हमारी जो पॉकेट है वो सेट हो जाएगी, और पॉकेट का लुक भी काफ़ी अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो ये बेल्ट वाली पट्टी कटिंग की थी फ्रेंड्स, इस तरह से मैं यहाँ पे पट्टी को रख दूंगी। इसके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। दोनों पट्टियों को इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पट्टी को सीधा रखूंगी। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए ऊपर में स्टिचिंग लगा लूंगी। दोनों पट्टियों को इस तरह से सीधा करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1/2 इंच का गैप देते हुए इनको स्टिचिंग लगा लूंगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैंने पॉकेट को स्टिचिंग लगा दी थी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें बेल्ट अटैच कर दी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ तक के फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक वाला पार्ट रखूंगी। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा सीधा है फ्रेंड्स, सीधा रखा हुआ है मैंने इसको, और जो हमारा ये बैक वाला पार्ट होगा इसको मैं इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो दोनों पार्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूंगी, और स्टिचिंग लगा दूंगी 1/2 इंच के मार्जिन पे फ्रेंड्स इस तरह से। अब फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूंगी, और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगानी है, और इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसमें ज्वाइन करने के बाद इस तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स मैं ऊपर में स्टिचिंग लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया है इस तरह से, और ऊपर में फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए। दोनों पार्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो सा पार्ट हमारे राइट हैंड की साइड आएगा उस वाले पार्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लूंगी। राइट हैंड की साइड वाले पार्ट को फ्रेंड्स आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा ली है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से। अब फ्रेंड्स जो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड पे आएगा इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये पट्टी ले ली है, इसको मैंने इस तरह से फ्रेंड्स कटिंग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी। तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है, और इसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये वाला पार्ट ले लूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर मैं पट्टी को इस तरह से रखूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा लूंगी। बारीक बारीक सी फ्रेंड्स आपको स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको उल्टे की साइड पे इस तरह से फोल्ड करूंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स अंदर को फोल्ड करते हुए ये वाला पार्ट ले लूंगी मैं। इस वाले पार्ट के ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूंगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं इसको मार्क कर लेती हूँ इस तरह से।
तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक के आपको सीधा मार्क करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपको इसको राउंड शेप देनी है, इस तरह से हल्की सी कर्व बना देना है फ्रेंड्स। और इस तरह से फ्रेंड्स नीचे तक के आपको स्टिचिंग लगा देनी है दोनों के क्रोच एरिया को मिलाते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे तक के स्टिचिंग लगा देनी है आपको। तो जी फ्रेंड्स स्टिचिंग के लिए यहाँ पे मैं पट्टी ले लूंगी, अब मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है फ्रेंड्स, ये पट्टी ले ली है मैंने इस तरह से। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए बारीक बारीक सी स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है पट्टी रखते हुए इसके ऊपर। अब फ्रेंड्स मैं इसको उल्टे की तरफ फोल्ड करूंगी, इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स मैं इसको। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मार्क किया था वहीं पे मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए। तो मैंने ये दूसरे वाला पार्ट ले लिया है फ्रेंड्स इस तरह से, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट लग लूंगी इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए। अब फ्रेंड्स मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मार्क किया था वहीं पे मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी सेम इसी तरह से जैसे मैंने इसको मार्क किया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको बिल्कुल इसको अच्छी सी फिनिशिंग के साथ लगाना है फ्रेंड्स इस तरह से आपको इस स्टिचिंग को। तो यहाँ तक के फ्रेंड्स मैं इसको सीधी स्टिचिंग लगाऊंगी, अब मैं इसको हल्का सा कर्व दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको इधर से घुमा लूंगी ऊपर की साइड पे फ्रेंड्स मैं इसको तीन चार टाके लगा लूंगी इस तरह से। अब आड़े से टाके लगाऊंगी फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से। अब सेम इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसको वापस से स्टिचिंग लगा लूंगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको नीचे तक के क्रोच एरिया तक के इसको स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स, नीचे तक स्टिचिंग लगा देनी है इसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको बारीक बारीक सी स्टिचिंग लगा ली है नीचे क्रोच एरिया तक के फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारी रेडी हो गई है इस तरह से। तो अगर आप बड़ी पैंट की स्टिचिंग करते हो फ्रेंड्स तो आपको इसमें जिप लगानी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं छोटे बेबी की पैंट की स्टिचिंग कर रही हूँ तो मैंने इसमें जिप नहीं लगाई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। तो इलास्टिक अटैच करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर से इसको पहले फोल्ड करूंगी थोड़ा थोड़ा सा 2 इंच का फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको मार्क किया था 2 इंच का, तो मैं इसको 2 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स स्टिचिंग लगा लूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको बारीक बारीक सी स्टिचिंग लगा लूंगी 2 इंच का फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स देख सकते हो आप मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है 2 इंच का फोल्ड करते हुए। अब फ्रेंड्स मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। तो इलास्टिक फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ले ली है और इलास्टिक की जो लेंथ है फ्रेंड्स वो मैंने ली है यहाँ पे इस तरह से 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सेफ्टी पिन ले लिया है। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से फ्रेंड्स मैं इस तरह से इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिल्कुल इजीली इसमें इलास्टिक अटैच कर सकते हो सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें इलास्टिक इस तरह से अटैच कर दी है आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बीच बीच में स्टिचिंग लगा लूंगी, बीच में आपको खींचते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है, खींचते हुए आपको स्टिचिंग लगानी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और इस वाले क्रोच एरिया को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से। तो जी फ्रेंड्स इधर वाले क्रोच एरिया को भी मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से यहाँ पे नीचे से इसको बंद कर दूंगी इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स स्टिचिंग लगाने के बाद बंद करने के बाद मैं इसको नीचे से फोल्ड करूंगी फ्रेंड्स इस तरह से 1 इंच का नीचे से फोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी मोरी को भी मैं फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा लूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको स्टिचिंग लगा दी है और इसके बाद मैंने इसको नीचे से भी फोल्ड कर दिया है इस तरह से 1 इंच का फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो पैंट है ये कटिंग एंड स्टिचिंग होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी अच्छे से 1.5 से 2 साल के बेबी की पैंट आप कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें ये पॉकेट लगा दी है और इस तरह से मैंने इसमें ऊपर में फ्रेंड्स इस तरह से ये इलास्टिक अटैच कर दी है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स इलास्टिक की फिनिशिंग भी कितनी अच्छे से आई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बिल्कुल ईजिली इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटे बेबी की पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजिली आप इस पैंट को बना सकते हो। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको इसको पास से भी दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह से आया है फ्रेंड्स। तो पास से फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रंट पे मैंने इसको ये पट्टी लगाई है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप बड़ी पैंट स्टिचिंग कर रहे हो तो आपको इसको जिप लगानी होती है। तो ये छोटे बेबी की पैंट है फ्रेंड्स, मैंने इसमें जिप नहीं लगाई है। तो जी फ्रेंड्स यही था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए और भी ऐसे न्यू ट्यूटोरियल न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहूँ। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।